और इस वक्त मैं घर की एंटर करने के बाद बाईं तरफ उड़ा हूँ और ये पीछे का जो हिस्सा है जिसे आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दिखाना चाहूँगा ये सामने जो ऊपर आप कमरा देख रहे हैं ये कमरा है जिसमें किशोरदा आके रहते थे, इसमें उनके उनका बिस्तर लगा हुआ था और जब भी वो आते थे यहीं ठहरा करते थे। और अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये खंडहर बन चुका है घर, और कोई कहता है कि ये मकान बिक चुका है 14 करोड़ रुपए में। सीताराम काका कहते हैं कि ये नहीं बिका है, ये सब अफवाहें हैं। अब इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि आपने आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस बोर्ड पर लिखा गया है कि इस परिसर में फोटो खींचना मना है, क्योंकि इसके लिए आपको विशेष तौर पर परमिशन लेनी पड़ती है मकान मालिक की आज्ञा से। अब मकान मालिक के हिसाब से देखा जाए तो ये बताया गया है कि इस मकान मालिक में 3 लोगों का मालिकाना हक है, जिनमें अमित कुमार और सुमित कुमार जो किशोरदा के बच्चे हैं और साथ अनूप कुमार के बेटे अर्जुन गांव में, तो ये तीनों ही इसमें मालिक हैं। मगर मिल्कियत होने के बावजूद भी ये इतने बड़े अमित कुमार जो कि हर महीने कम से कम नहीं तो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं सिर्फ किशोरदा की कहानियां बयान कर कर उनके नगमों को गा कर प्रोग्राम्स करके, और उसके बावजूद भी अगर उसका 1% या 2% भी इस मकान पर लगाएं तो ये अपने आप में एक अनमोल धरोहर, एक बहुत बड़ा म्यूजियम बन सकता है यहाँ पर और लोगों के लिए एक पूजा का स्थल बन सकता है। आई किशन बाबा सहयोगी प्रकाश के साथ खंडवा किशोर कुमार जी के घर गौरीपुर।